टीम बनाई है, काफी ऑफिसर, चुनिंदा ऑफिसर उसमें रखे गए हैं। एक इंस्पेक्टर हैं, दो सब इंस्पेक्टर हैं, करीब 20-25 और हमारे ऑफिसर्स हैं। तो वो सब काम चालू है और हम जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। सर, इस मामले के अंदर जो भी आई विटनेसेस है उनको किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? जो आई विटनेसेस हैं उसमें एक तो आई विटनेस ऐसा है कि जो खुद इस केस का फरियादी है, जो कि जेल में है अभी, और बाकी जो आई विटनेसेस हैं उनको ज़रूरी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और सभी के जो इस केस में पूरी कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में ऑटो चालक सोनू जो है वो भी है, तो उसकी किस तरह से क्या रोल था और ढूंढने में किस तरह से काम? वो सभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता। उनकी उनके इंटरोगेशन पे और हकीकत बाहर आएगी, उसमें सोनू है या जो भी कोई भी इन्वॉल्व हो सबकी गिरफ्तारी की। सर, ये जो पैरेलल केस था सोनू यादव का जो फरियादी है, तो उस मामले में जो पुलिसकर्मी है उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया? फरियाद के अलावा सस्पेंशन किया गया है? उनको सस्पेंड कर दिया गया और ये भी जितने अभियुक्त जो भागे हुए हैं या जो पकड़े जा चुके हैं इनका भी सबका सस्पेंशन किया जा चुका है। टोटल कितने एब्सकॉन्डिंग? टोटल 8 में से 6 अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, 2 पकड़े गए। सर, इस मामले में कितने जगहों के सीसीटीवी फुटेज? अभी कई जगह पे जहाँ जहाँ पे वाकई बना है, जैसे पुलिस स्टेशन है और बाहर के भी सीसीटीवी सब लिए गए हैं, उनकी सभी डिटेल में चर्चा या नहीं हो सकती। थैंक यू। તો સુરત પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્મા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતા અને તેમણે કીધું કે જે રીતે 2 આરોપીઓ છે તેઓ આત્મસમર્પણ કરી દીધું છે અને ખટોદરા કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલો જેમાં જે એક આરોપીને એટલો માર મારવામાં આવ્યો હતો કે તેનું મોત નિપજ્યું હતું, ત્યારે આ બાબતે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પીએસઆઈ સીપી ચૌધરી અને કોન્સ્ટેબલ હરેશ હાજર થઈ ગયા છે, તે બાબતે માહિતી આપવામાં આવી હતી। બંને આરોપીઓ હાજર થયા છે અને બાકીના જે આરોપીઓ ભાગેડું છે તેમને ટૂંક સમયમાં પકડી પાડવામાં આવશે તેવી વાત પોલીસ કમિશનરે કરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જે આ ભાગેડું આરોપીઓ છે, જે પોલીસના આરોપીઓ છે, તેઓ ઘણા દિવસથી ભાગેડું છે અને તેમને પોલીસ શોધી ન શકી, તેમાંથી 2 જે છે તેઓ આજે હાજર થઈ ગયા હતા અને બાકીના જે લોકો છે તેમને શોધવાની પોલીસ કમિશનરે વાત કરી છે। તેમણે કીધું કે વહેલામાં વહેલી તકે તેમને શોધી કાઢવામાં આવશે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં બંને આરોપીઓ હાજર થયા હતા, ત્યારે ખટોદરા કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલો જેમાં 8 પોલીસ કર્મીઓએ એક આરોપીને એટલો ઢોરમાર માર્યો કે તેનું મોત થયું હતું। નજર કરીએ સ્પીડ ન્યૂઝ પર, વલસાડના તિથલ બીચ પર